600 गज के हमारे प्लॉट की योजना भी रह गई। 4 लाख एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी गरीब परिवार, 4 लाख परिवारों को 600 गज के प्लॉट दिए गए थे। इस सरकार ने ना तो उन प्लॉटों पे आगे काम कराया, ना उन कॉलोनियों को विकास विकसित कराया, ना मकान किसी का आया। आंदोलन नहीं करना पड़ा किसान को, आगे जब सरकार बने कांग्रेस की तो आंदोलन ना करना पड़े। तो किसान को MSP की गारंटी और मान सम्मान से जोड़ो। चौथा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो नौजवानों को, काम से जोड़ो, रोजगार से जोड़ो। 2 लाख पद जो समाप्त कर दिए, रिक्त पड़े हैं, पहली कलम से जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, पहली कलम से 2 लाख नौकरियों की भर्ती निकालने का काम करेंगे प्रदेश के नौजवानों को। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो। जो अभी सिलेंडर कह रहे थे जो पहुंच गया आज 12-3 गुना हो गया, जैसे राजस्थान की हमारी सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर करके दिखाया। हाथ से हाथ जोड़ो, हर गृहिणी को 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हमारा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो। और हर परिवार को आज बिजली के जो इतने बिल आ रहे हैं, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हमारा अगला संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, जैसा हमारी हिमाचल सरकार ने करके दिखाया है। हाँ, और जैसे हिमाचल, राजस्थान और अब कर्नाटक की सरकार भी कर देगी 2 दिन के बाद। हाथ से हाथ जोड़ो, हर कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, बड़े बुजुर्गों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा और विश्वासघात बड़े बुजुर्गों के साथ हुआ है। बड़े बुजुर्गों को नहीं बोलेंगे, हाथ से हाथ जोड़ो। देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक डंके की चोट पे और खुछुट्टी बोल के सुनो केजरीवाल, सुनो बीजेपी, किसी सरकार में अगर दम है तो मुकाबला करना, हरियाणा की बुढ़ापा पेंशन का मुकाबला करना। हाथ से हाथ जोड़ो, हर बड़े बुजुर्ग को 6,000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हरियाणा के अंदर सबसे सर्वाधिक करने का काम करेंगे। और हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो। हरियाणा को विकास की रफ्तार से, अभी बता रहे थे प्रमोद की यूनिवर्सिटी, मुझे गर्व है इस बात का, जींद और हमारा कितना अपनापन है, अंदाजा इस बात का आप लगा लेना। एक बात में से तो बहुत एक एक काम गिनवाने की नहीं होते, मगर भावना होती है। हरियाणा के इतिहास में अलग अलग यूनिवर्सिटी बनी, जब कांग्रेस की सरकार थी चौधरी भजन लाल जी के समय हिसार में कुजंबेश्वर यूनिवर्सिटी बनी, जब सरकार थी इनेलो की ओम प्रकाश चौटाला जी के समय, तो उन्होंने घोषणा करी थी, बनाई नहीं, बना आके हमारी सरकार ने बनवाई, लेकिन चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी उन्होंने सिरसा में, और जब हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, जींद से हमारे विधायक नहीं थे, जींद में 2009 में कोई विधायक नहीं आए 5 सीटों पे, लेकिन जब चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो वो यूनिवर्सिटी जींद के अंदर बनवाने का काम किया। ये अपनेपन की बात होती है, तो ये अंदाजा। तो अभी बता रहे थे प्रमोद कि यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज बनाया लड़कियों का, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, अस्पताल बनवाया उस समय अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, स्टेडियम बनवाया लेकिन स्टेडियम के अंदर कोच नहीं है। तो जींद को आज विकास की पट्टी से उतार दिया, जो मौजूदा विधायक हैं, ये अंडरपास बनवाया, तो ऐसा अंडरपास बनवाया, आज सारा शहर अंडरपास के लिए परेशान हो रहा है, यातायात के लिए रेलवे फाटक के साथ आते ही। मैं कहना चाहता हूँ ये तो सरकार बनवाए, जैसे पहले हमने कई पुल बनवाए थे, नहीं तो आते ही हम ये जो अंडरपास की जो समस्या है, आज शमशान की तरफ जाके भी परेशानी होती है, फाटक के साथ एक छोटा जो है अंडरपास देने का हम सीधा काम करेंगे, ताकि यहाँ पर। और भाई ये जो कमियाँ हैं हमारे स्टेडियम, चाहे स्टेडियम की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, कमियाँ हैं वो तो दूर करेंगे करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि विकास, जैसे पिछली बार जींद को रेल से जोड़ने का काम किया जो हमारी सरकार थी, इस बार औद्योगिक क्षेत्र एक IMT, ये हम संकल्प लेते हैं कि भाई एक IMT, एक औद्योगिक क्षेत्र भी जींद के अंदर आने वाले समय में, ताकि जींद विकास की तरफ आगे बढ़े। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, जींद सहित समेत पूरे हरियाणा को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो, ये सारे हमारे संकल्प हैं भाई। ये संकल्प अगर पारित हैं तो एक बार हाथ से हाथ जोड़ के, अपने अपने आदमी जो साथ बैठा है, एक बार हाथ से हाथ जोड़ के, एक बार हाथ खड़े करके बताओ भाई इसमें सारे संकल्पों में आप साथ हैं, एक बार ऊपर रखना, हम देखना चाहते हैं इन संकल्पों में कौन कौन साथ है, एक बार ऊपर रखना।
मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ हमारे प्रेस के साथियों का, क्योंकि ये भी यहाँ से ले रहे थे, आपने देखा होगा लाइव। अब ये जैसे हमने हाथ ऊपर किया, ये भी ऊपर से लाइव लेने लगे, यूं खड़े होकर यूं करते। और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, सीटी वाले आए हुए हैं तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, चार गुना का खट्टर साहब का चक्कर तोड़ो और सीटी को क्वालिफाइंग से जोड़ो, ये भी आज हम संकल्प लेना चाहते हैं, ये भी हमारा संकल्प है। अच्छा, और हाथ से हाथ जोड़ो गरीब को, क्योंकि 100-100 गज के हमारे प्लॉट की योजना भी रह गई, 4 लाख एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी गरीब परिवार, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे। इस सरकार ने ना तो उन प्लॉटों पे आगे काम कराया, ना उन कॉलोनियों को विकास विकसित कराया, ना मकान किसी का आया, किसी को मकान की सहायता नहीं मिली। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि भाई हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट से, और दो उन 100 गज के प्लॉटों पर 2 कमरे की सरकारी सहायता से 2 कमरे के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, ये हमारे संकल्प है। और भाई ये तो संकल्प भी हैं, जैसा आप कहोगे, आपको पता है जो है जैसा आप कहोगे, मगर और भाई वो कच्चे वाली बात भी है, कच्चे कर्मचारी वाली बात, 10 साल की हमने जो कानून बनाया था इन्होंने निरस्त कर दिया, ये बहुत सी बातें हैं। लेकिन भाई इन सारी बातों के लिए एक साल से कम का समय, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होंगे, उसमें आपको और हमको मिलकर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सारे संकल्प हमने रख दिए, अब वो मेहनत जो शपथ की बात करी अभी कन्हैया जी ने कि आज कर्नाटक की शपथ, जो कर्नाटक से जो आवाज आई, जो शपथ हुई, भाई दिन रात आपको मेहनत और हमको मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत में आपका साथ और सहयोग पूरा मिलेगा। तो एक बार आखिर में लास्ट बार हाथ खड़े करके बता दो, मैं कहा भाई थोड़ी और एक्सरसाइज। बहुत बहुत धन्यवाद, जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।